संतों का आगमन हमेशा से ही चर्चा का केंद्र रहा है, इन्हें आना चाहिए या नहीं ये भी बहस कभी खत्म नहीं होने वाली है। बहरहाल राजनीति का मैदान पकड़ने वाले हर संत का अपना रंग है। साध्वी उमा भारती 2003 में ही मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई थी और योगी आदित्यनाथ ने 2 साल पहले उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है। अनेक साधु साध्वी केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्यों के मंत्रिमंडलों की शोभा बढ़ा चुके हैं। ऐसे ही एक साधु हैं सुमेधानंद सरस्वती, फिलहाल राजस्थान के सीकर से सांसद है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें यहीं से दोबारा प्रत्याशी बनाया है। उनकी आय लगभग 50,000 रुपए से भी कम दर्शाई जा रही है। पिछले चुनाव के नामांकन पत्र के साथ तो उन्होंने महज 34,311 रुपए के दस्तावेज दाखिल किए थे। मूलतः रोहतक हरियाणा में जन्मे स्वामी सुमेधानंद 23 साल से यहां बसे हैं और उन्होंने बीते चुनाव में कांग्रेसी प्रताप सिंह जाट को 2.5 लाख से कुछ कम मतों से परास्त किया था, करीब 2,39,000 वोटों से हराया था। इतनी कम संपत्ति के बारे में सवाल किया जाए तो जवाब मिलता है कि मैं सन्यासी हूँ, मेरी कोई प्रॉपर्टी जायदाद परिवार कुछ भी नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी कोई उम्मीदें नहीं है, ना ही मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे सिर्फ एक जोड़ी कपड़े और पर्याप्त भोजन की जरूरत है। जब मुझे जरूरत होती है तो लोग मुझे एक जोड़ी कपड़े दे देते हैं। चुनाव भी मैं अपने समर्थक और पार्टी कार्यकर्ताओं की मदद से लड़ता हूँ, वे जितना कर सकते हैं मुझे सहयोग करते हैं। स्वामी आर्य समाज के सदस्य हैं और सीकर से ही पिपरेली गाँव में एक वैदिक आश्रम में मामूली जीवन बिताते हैं। 17वीं लोकसभा के चुनाव में उनका मुकाबला कांग्रेस के सुभाष महरिया के साथ होगा। उन्हें बीते चुनाव में करीब 9 लाख मत बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मिले थे। वे यहीं से 2004 में भाजपा सांसद थे और 2009 में पराजित हो गए थे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।